introduction. I don't think it's necessary. दोस्तों, आज हम जश्न मना रहे हैं हम औरतों की दोस्ती का, हमारे संगठनों का, महिला आंदोलन का. आज हम जश्न मना रहे हैं साउथ एशियन एकता का. आज हम जश्न मना रहे हैं दुनिया की औरतों की एकता का. और अब मैं चाहती हूँ कि आप इस जश्न में मेरी भागीदार बने. मैं कहूंगी संगठित महिलाएं, आप कहेंगे ना हारी है ना हारेंगी. संगठित महिलाएं, संगठित महिलाएं, शरीफ लोग ना हारे हैं ना हारेंगे. जब तक हम इकट्ठे हैं हमें कोई तोड़ नहीं सकता. आज से 8 महीने पहले एक छोटी सी शुरुआत हुई थी दुनिया के 100 करोड़ लोगों को उठाने की. और आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में हम किस तरह आज सुबह 10 बजे से उठे हैं. आज शाम को मल्लिका सारा भाई ने 20,000 लोगों के साथ गुजरात में गरबा किया है. आज नरेगा में काम करने वाली 1 मिलियन 10 लाख औरतों और पुरुषों ने आंध्र प्रदेश में शपथ खाई है कि ना हिंसा सहेंगे ना होने देंगे. आज अफगानिस्तान उठ रहा है, पाकिस्तान उठ रहा है, मालदीव उठ रहा है, नेपाल उठ रहा है, सारे हमारे 8 देश उठ रहे हैं. फ्रेंड्स, वी आर सेलिब्रेटिंग द सॉलिडारिटी ऑफ द विमेन्स मूवमेंट. We are celebrating the strength of women like Nirbhay, whose life was taken. We are celebrating the goodness of good people. And now in English, the same slogan, women united, and you will say, we'll never be defeated. Women united. We'll never be defeated. The people united. We'll never be defeated. And moral people united. We'll never be defeated. I have just 5 messages for you. First message is that the only way to do violence on anyone is if you have hatred in your heart. So we have to do away with this hatred. How? Through love. The only way to fight violence is with love, and that is why this Saint Valentine's Day. On this Saint Valentine's Day, we are saying we don't want violence. We want love. What kind of love? Just love. Love based on justice, love based on equality, just love based on mutual respect. Hame bazaru pyar nahi chahiye. हमें 10 रुपए का आर्ची कार्ड वाला, हमें हीरे जवाहरात वाला वैलेंटाइन्स डे नहीं चाहिए. हमारे लिए मोहब्बत का मतलब है किसी का कंधा बन जाना. हमारे लिए मोहब्बत का मतलब है ममता, करुणा. वो करुणा जिसका पाठ बुद्ध ने पढ़ाया, वो करुणा जिसका पाठ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने पढ़ाया, वो प्यार जिसके लिए कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, हुआ न पंडित कोई और ढाई आखर प्रेम का तो पंडित कोई. निजामुद्दीन औलिया, अजमेर शरीफ, गुरु नानक, कबीर आज उनकी कसम खाते हैं और कहते हैं नफरत मिटा के रहेंगे, मोहब्बत ला के रहेंगे. दोस्तों, मेरा दूसरा संदेशा है कि 1947 में भारत आजाद हुआ, भारती आजाद नहीं हुई. पुरुष आरा आजाद हुए, औरतें आजाद नहीं हुई. हमारी आजादी सिर्फ अंग्रेजों को बाहर भेजकर नहीं आ सकती थी और नहीं आई है. इसीलिए आज भी 40% हमारे पति देवता,
हमें मारते हैं परिवारों के अंदर। इसी वजह से देश में औरतों की संख्या मुसलसल कम हुई है। 1901 में 1000 पुरुषों पर 975 औरतें थी, आज सिर्फ 903 बची हैं। तो दोस्तों, आप सबके साथ मिलकर मैं कसम खाती हूँ कि आज हम एक नया आज़ादी का आंदोलन शुरू कर रहे हैं, एक नया फ्रीडम मूवमेंट शुरू कर रहे हैं लड़कियों और औरतों की आज़ादी का। तैयार हो? सर पे कफन नहीं बांध रहे, सर पे पिंक रिबन बांध के कह रहे हैं कि हम आज़ादी के दीवाने हैं। अब हम आज़ादी लेंगे पितृसत्ता से और हिंसात्मक मर्दानगी से। हिंसात्मक मर्दानगी पुरुषों में होती है, औरतों में भी हो सकती है अगर हम ध्यान न दें। तो ये आज़ादी का मूवमेंट अब शुरू हुआ है। हमारा अगला पड़ाव है 8 मार्च, उसके बाद हमारा अगला पड़ाव है May 1, द इंटरनेशनल लेबर डे। इस प्रकार हर महीने हमारे पड़ाव आएंगे। मेरा तीसरा संदेश है कि अगर पितृसत्ता केवल ट्रेडिशनल होती, केवल परंपरागत होती, तो शायद हम जीत गए होते। लेकिन आज पितृसत्ता और कैपिटलिज्म, ये दोनों मिल गए हैं। इन दोनों ने हमारी हालत खराब कर रखी है। इनकी वजह से आज पितृसत्ता और सबल हो रही है। पोर्नोग्राफी $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई है। बार्बी डॉल $1 मिलियन इंडस्ट्री है। लड़कों की बंदूकें, जिनको बच्चों को पैदा होते ही हम दे देते हैं, वो $1 मिलियन इंडस्ट्री है। कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की के इस गठबंधन को हम समझ गए हैं और अब हम इसको तोड़ कर रहेंगे। तोड़ोगे? अब मैं कहूंगी लड़ेंगे, आप कहोगे जीतोगे। लड़ेंगे, घरों में भी जीतेंगे, दोचारों में भी जीतेंगे, बाजारों में भी जीतेंगे, जेल और थाने में भी जीतेंगे, दवाखाने में भी जीतेंगे, और लड़ेंगे जीतेंगे। मेरी चौथी बात ये है कि आज की ये लड़ाई है, इसमें हम अपने भाइयों को, पुरुषों को न्योता दे रहे हैं, उन्हें न्योता दे रहे हैं ये समझने का कि पितृसत्ता सिर्फ औरतों को परेशान नहीं कर रही। मर्द अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि पितृसत्ता किस तरह से उनकी इंसानियत छीन रही है। एक औरत जिसका बलात्कार होता है, उस पर हिंसा होती है, लेकिन बलात्कारी तो हिंसा करने से पहले अपनी इंसानियत खो चुका होता है, क्योंकि सिर्फ हैवान हिंसा कर सकता है, सिर्फ हैवान बलात्कार कर सकता है, सिर्फ हैवान पति 40% महिलाओं को मार सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे भाइयों को, अच्छा सुनिए, आप लोग अगर थोड़ा सा शांत हो जाए तो मैं अपनी बात कर सकती हूँ, प्लीज। तो मेरे भाइयों को संदेशा है गांधी जी की तरफ देखने का, दबंग फिल्म की तरफ ना देखें, गांधी जी की तरफ देखें। वो फेविकॉल चिपकाने की बात ना करें, धर्म और प्रेम की बात करें। वो रणबीर कपूर का जो एडवर्टीजमेंट है कि IPL ना तमीज से खेला जाता है, ना तमीज से देखा जाता है, उसकी तरफ थू थू करें और अपनी इंसानियत को बचाएं। और दोस्तों, ये जो जंग शुरू हुई है, ये पितृसत्ता को मिटाकर खत्म होगी। आजादी हम लेके रहेंगे और आखिर में आजादी का नारा इस आज़ादी की जंग से पहले, ये नारा मैंने 1982 में पाकिस्तान की अपनी बहनों से सीखा था। हम अमन अपने परिवार में चाहते हैं, हम अमन साउथ एशिया में चाहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, हम उनके साथ भी मोहब्बत चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। तो मेरे साथ आप लोग लगाएंगे, मेरी बहने मांगे आजादी, मेरी बच्ची मांगे आजादी, नारी का नारा आजादी।
मजदूर का नारा, आजादी, दलितों का नारा, आजादी, आदिवासियों का नारा, आजादी, जंगों से लेंगे, आजादी, दंगों से लेंगे, आजादी, हिंसा से लेंगे, आजादी, अपमान से लेंगे, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, from patriarchy, आजादी, from all hierarchy, आजादी, from endless violence, आजादी, from helpless silence, आजादी, for walking freely, आजादी, for talking freely, आजादी, for dancing madly, आजादी, for singing loudly, आजादी, for self-expression, आजादी, for celebration, आजादी, we love it madly, आजादी, come say it loudly, आजादी, आजादी.